भारतीय टीम का वह खिलाड़ी जिसे किस करने मैदान में पहुंच गई थी लड़की, वह खिलाड़ी जिसने भारत के लिए सबसे कम उम्र में टेस्ट शतक बनाया, भारतीय टीम का पहला खिलाड़ी जिसने अपने टेस्ट डेब्यू मुकाबले में चौथी पारी में शतक जमाया था, वह खिलाड़ी जिसकी गिनती दुनिया के हैंडसम क्रिकेटरों में होती है। आज के जमाने में क्रिकेट और भारतीयों के बीच वही संबंध है जो कि सुबह की चाय पार्ले जी बिस्किट के साथ हो। ठीक उसी तरह इन दिनों भारतीय फैंस और क्रिकेट के साथ हो गया है। भारत का मुकाबला हो और फैंस टीवी के सामने ना हो, या फिर उस मैच के बारे में जानकारी किसी न किसी माध्यम से जरूर ले लेते रहे। अब तो भारत में क्रिकेट को धर्म की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए भारत में क्रिकेटरों को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए तो हम देखते हैं कि क्रिकेट फैंस अपने खिलाड़ियों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। हमने देखा महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर या फिर विराट कोहली, दर्शक मैदान में कूदकर अपने खिलाड़ी को कभी बुके देने लगते हैं तो कभी उनका पैर पकड़ लेते हैं। यह उस फैंस का अपने खिलाड़ी के प्रति प्यार होता है कि वह इस तरह के कार्य करने लगते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही खिलाड़ी के बारे में बताने वाले हैं। उस खिलाड़ी से मिलने के लिए मैदान में लड़की घुस गई थी। इस खिलाड़ी का नाम है अब्बास अली बेग। लड़कियां इस खिलाड़ी की दीवानी थी। अब्बास अली बेग का जन्म हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही उनका क्रिकेट के प्रति लगाव रहा। उनके बारे में लोगों के मन में यह विचार था कि यह इतना छोटा लड़का क्रिकेट में इतना अच्छा कैसे कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 60 के दशक में इस खिलाड़ी ने गजब का कमाल दिखाया था। उस समय अब्बास अली बेग पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जहां उन्होंने 15 फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच खेला जिसमें उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज हुए। इस दौरान बल्लेबाजी करते हुए अब्बास अली बेग ने फ्री फॉरेस्टर्स के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 221 और 87 रनों की पारी खेली थी। उसके बाद 208 और 75 रनों की पारी। वे उस समय प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। साल 1959 में भारत की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी। ऐसे में भारतीय टीम की तरफ से विजय मांजरेकर चोटिल हो गए, तब अब्बास अली बेग को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया था। तब अब्बास अली की उम्र महज 20 साल 131 दिन की थी और वे भारतीय टीम का हिस्सा बन गए थे। वे उस मैच में भारतीय टीम का सिर्फ हिस्सा ही नहीं रहे बल्कि उन्होंने दूसरी पारी में 112 रन भी बनाए। इस तरह से भारत से बाहर किसी भारतीय द्वारा यह पहला शतक था। अब्बास अली बेग के नाम डेब्यू टेस्ट मैच की चौथी पारी में शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने नाम दर्ज किया। इस मैच में अब्बास के अलावा पॉली उमरगीर ने भी शतक बनाया था, लेकिन यह मैच भारत की टीम जीत न सकी थी। इंग्लैंड दौरा समाप्त होने के बाद भारत की टीम का अगला सीरीज ऑस्ट्रेलिया से था। ऑस्ट्रेलिया के साथ होने वाली घरेलू श्रृंखला के लिए अब्बास अली बेग का नाम टीम में था। कानपुर टेस्ट मैच में उन्हें खेलने का मौका मिल गया। पहली और दूसरी पारी में उन्होंने 19 और 36 रन बनाए थे। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत की पहली जीत थी। इसके बाद बॉम्बे में खेली गई पहली पारी में उन्होंने 50 रन बनाए और नॉरी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलकर 133 रन की जबरदस्त साझेदारी की थी। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी में 8 विकेट पर 387 रन बनाए थे। इस दौरान भारतीय टीम पर मैच हारने का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन अब्बास अली ने दूसरी पारी में भी अर्धशतक यानी कि 58 रनों की पारी खेलकर टी ब्रेक तक 5 विकेट पर 200 रनों तक पहुँचा दिया था। टी ब्रेक के बाद जब अब्बास अली बेग आउट होकर पवेलियन लौट रहे थे, इसी दौरान स्टैंड से अचानक एक लड़की निकलकर मैदान पर आ गई। इसके बाद वो सीधे पवेलियन की ओर भागी, मैदान से लौट रहे अब्बास अली बेग के पास पहुंच गई और उनके गाल पर लगातार किस करने लगी। स्टेडियम में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अगले ही पल वहीं मौजूद फैंस तालियाँ बजाने लगे। लड़की के किस करने की यह प्यारी हरकत को फैंस तो इंजॉय कर ही रहे थे, लेकिन अब्बास अली का चेहरा पूरी तरह से शर्म से लाल हो गया था। और इधर इस मैच की कमेंट्री कर रहे भारतीय टीम के महान क्रिकेटर विजय मर्चेंट किस की गिनती कर रहे थे। कमेंट्री के दौरान मर्चेंट मजाकिया अंदाज में कह रहे थे, ये लड़कियाँ तब कहाँ थी जब मैं शतक और दोहरा शतक लगाया करता था। इस टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारत ने 5 विकेट खोकर 226 रन के स्कोर पर पारी की घोषणा कर दी। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम ने दूसरी पारी में 1 विकेट के नुकसान पर 34 रन बनाया था। इसके बाद अंपायर ने मैच ड्रॉ की घोषणा कर दी। उन दिनों को याद करते हुए अब्बास अली बेग ने मीडिया में दिए इंटरव्यू में बताया था कि हम चाय के लिए वापस आ रहे थे और अचानक एक युवती निकल गई और मुझे चूमने लगी। मैं पीछे हटता गया। मुझे इस बात का डर था कि मेरे माता पिता क्या सोचेंगे जो उस वक्त स्टेडियम में मौजूद थे। वे यही कहेंगे ना, हमने अपने लड़के को इंग्लैंड भेज दिया, क्या वह भटक गया है।
हालांकि पाकिस्तान के साथ होने वाली सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहतर नहीं रहा, जिसके कारण उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि उसके बाद वे घरेलू क्रिकेट में बेहतर रहे। उन्होंने रणजी मुकाबले और दलीप ट्रॉफी मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उन्हें दोबारा टीम में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद उन्हें करीब 6 साल के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाले घरेलू सीरीज में वापसी करने का मौका मिला, लेकिन इस दौरान भी वे महज 2 ही टेस्ट मैच खेल पाए और इस तरह से अपने डेब्यू टेस्ट मैच में शतक बनाने वाले इस खिलाड़ी का करियर अब धीरे धीरे सिमटने लगा था। साल 1966 में उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया। बेग ने इस श्रृंखला में खेले गए 2 टेस्ट मैचों में 48 रन बनाए, हालांकि उन्हें फिर से टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद 1971 में वेस्टइंडीज दौरे के लिए उन्हें टीम में शामिल किया गया था। इसी साल यानी 1971 में भारत की टीम इंग्लैंड का दौरा कर रही थी, जिसमें उनका नाम था, लेकिन प्लेइंग 11 में जगह बनाने में असफल रहे थे। चयन समिति ने अब्बास बेग की जगह पर अशोक मार्कट को प्राथमिकता दी थी। इसके बाद अब्बास अली बेग प्रथम श्रेणी मुकाबला खेलते रहे और साल 1975-76 में उन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी। उनके क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्हें 10 मुकाबले खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 428 रन बनाए, बल्लेबाजी करते हुए 1 शतक भी बनाया है। वहीं फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात करें तो 235 मैचों में अब्बास ने 12,367 रन बनाए। इस दौरान उनका हाई स्कोर 224 रन नाबाद रहा। इस दौरान बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 21 शतक और 64 अर्धशतक बनाए। गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट भी अपने नाम किए। अब्बास अली बेग 1991-92 में ऑस्ट्रेलिया दौरे और 1992 क्रिकेट विश्व कप के दौरान भारतीय टीम के कोच रह चुके हैं। अब्बास अली बेग के चुम्बन वाली घटना के 35 साल बाद सलमान रुश्दी ने अपनी किताब द मूर्स लास्ट नाइट लिखी, जिसमें उन्होंने बम्बई टेस्ट की इस घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि अब्बास को जब लड़की किस किया तो वहाँ बैठा हर कोई हक्का बक्का रह गया था। आज के ज़माने में भारतीय क्रिकेटरों को हीरो का दर्जा दिया जाता है, लेकिन यह 60 के दशक की बात है, तब की अब्बास का जलवा लड़कियों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। इन्हें ग्लैमर बॉय के नाम से बुलाया जाता था, लड़कियों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। अब्बास अली बेग के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। इस ग्लैमरस खिलाड़ी के बारे में अगर आप कुछ विशेष जानते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्रिकेट के ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।